इसके साथ ही जो हम कर सकते हैं। है तो ये कहानी, लेकिन इसकी शुरुआत हम अपनी क्लास से कर सकते हैं एज ए क्लास टीचर, और ये एक्टिविटी हमें करनी भी चाहिए, इससे शायद विद्यार्थियों को एक हौसला मिल सकता है। ये वियतनाम की बात है, वहां के क्लास टीचर ने एक बार सैटरडे को एक एक्टिविटी रखी। क्लास में जितने भी विद्यार्थी थे उन सबको कहा गया कि एक एक पेज निकाल लीजिए। सभी बहुत हैरान थे कि आज टीचर ने ऐसा क्या हमसे करवाना है कि हम सबको एक एक पेज निकालने को कहा गया। फिर मैंने कहा उनकी कि जितने भी विद्यार्थी हैं आपकी क्लास में उनका नाम इस शीट पे लिखिए। उनकी क्लास में उस समय 20 विद्यार्थी, तो पहले का नाम लिखा, फिर स्पेस छोड़ दिया गया है, फिर दूसरे विद्यार्थी का नाम लिखा, हर एक बच्चे ने 20 विद्यार्थियों को 20 शीट्स मिली और हर एक बच्चे ने हर एक विद्यार्थी का नाम लिखा दूसरे जो उनकी क्लास में। फिर टीचर ने कहा कि आपको अपने क्लासमेट्स के बारे में जो भी अच्छी बात पता है, सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है वो लिखी। तो 20 विद्यार्थी थे तो हर एक विद्यार्थी ने बाकी 19 विद्यार्थियों के बारे में अपने अपने विचार लिखे। जैसे अगर उनकी क्लास में कोई मोहन नाम का लड़का था, एक एग्जाम्पल है, तो मोहन के सामने किसी विद्यार्थी ने ईमानदार लिखा, तो किसी विद्यार्थी ने लिखा कि यह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो इसी तरह से अगर किसी अगर एक विद्यार्थी का नाम मीना था तो किसी ने लिखा कि मीना तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मीना तो बुजुर्गों की सेवा करती है। इसी तरह से हर एक विद्यार्थी ने वो एक्टिविटी को कंप्लीट किया। तो उनकी क्लास टीचर ने हर एक विद्यार्थी से वो शीट को कलेक्ट कर दिया। तो उनके पास 20 शीट्स थी और हर एक शीट पे हर एक विद्यार्थी के द्वारा एक एक क्वालिटी लिखी थी। अब शनिवार का दिन था, अगले दिन संडे था, तो टीचर ने अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाया। उन्होंने अब क्या किया, हर एक विद्यार्थी के लिए अलग शीट बनाई गई कि जैसे मोहन है तो मोहन के बारे में बाकियों के क्या क्या विचार हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी से। तो उन्होंने वो 20 शीट्स बनाकर उसको पैक कर दिया और जब वो सोमवार को क्लास में आए तो उन्होंने वो शीट हर एक विद्यार्थी को पकड़ा दी जो उसकी अच्छी बात थी। तो ये सब पढ़ के उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, उन्हें हौसला मिला कि हाँ हमारे अंदर भी एक क्वालिटी है, हमारे अंदर भी एक क्वालिटी है। तो बात वही खत्म हो गई। वर्ष बीतते गए, लगभग 35 साल के बाद उनमें से एक विद्यार्थी वहां की आर्मी में सोल्जर बने, ऑफिसर बने, अच्छी रैंक के, तो वो किसी युद्ध में वहां पर शहीद हो गए। तो वहां पे एक कल्चर था कि जो भी उनके पुराने टीचर्स थे, दोस्त थे, सबको बुलाया जाता था। तो वो टीचर भी जिन्होंने एक्टिविटी कराई थी उन, क्योंकि वो स्कूल से पढ़े हुए थे, उनको भी बुलाया था। तो वहां के चर्च में जो प्रोग्राम होता है तो अंतिम दर्शन के लिए बुलाया गया। तो उस बच्चे के उस जो एग्जैक्ट उस बच्चे का नाम था, जहां तक मुझे याद है, मार्क था। तो उस बच्चे के माँ बाप आए टीचर के पास और बोले क्या आप इसके टीचर थे जो स्कूल टाइम में? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि ये आपके बारे में बहुत बातें किया करता था। उन्होंने फिर उसके सामान से वो पेज निकाला जो टीचर ने बचपन में बनाया था, दिखाया कि इससे इसको इतना हौसला मिला, ये सारा दिन आपकी बातें तो करता ही था और अपने लक्ष्य के लिए भी हमेशा प्रेरित करता था। फिर साथ में और भी उसके क्लासमेट्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने टीचर को तो पहचान ही लिया था, वो भी आए। एक एक ने बताया कि मेरी वाइफ ने तो वो जो पेज है हमारी शादी की जो एल्बम है उसमें रखा हुआ है। इस तरह से बाकी विद्यार्थी भी आए। तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंच चुके थे। तो इस कहानी से यही बताना का प्रयास किया गया है कि हम भी अपनी क्लास में बच्चों को एक हौसला दे सकते हैं और हम भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एज ए क्लास टीचर हम क्या कर सकते हैं, क्लास में जाएंगे, सबको कहेंगे कि एक एक पेज